गोइंदवाल जेल गैंगवार मामले च पांच जेल अधिकारियों नू गिरफ्तार किया गया सी, जिन्हां नू खंडूर साहिब अदालत दे विच पेश किया गया सी, जिस दे विच जेल सुपरडेंट इकबाल सिंह बराड, सहायक सुपरडेंट हरीश कुमार, विजय कुमार, हरचरण सिंह अते गुरविंदर सिंह शामिल सन। पेशी दौरान पांच जेल अधिकारियों की जमानत हो गई है। वकील का कहना है कि यह बेलेबल इल्जाम सन। पुलिस ने किस आधार से कार्रवाई की है यह हाले समझ नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने दो दिन के रिमांड की मांग रखी सी, पर जज साहिब ने रिमांड नू रद्द कर दिता ते जल्द रिहा करन दे ऑर्डर दिते ने। रजिस्टर होया सीगा ना जी, ये सीगा बेलेबल ऑफेंसिज है ये सारे। एक्चुअली इन्हां दी लॉफुल तरीके ना अरेस्ट पाई ही नहीं जा सकती, जे पाउणी सी तां इमीडिएटली बेल देनी सी इन्हां नू थाने दे विच ही। इन्हां दी कल दी लिबर्टी पुलिस वल्लों करटेल करके इन्हां नू अज पेश करके ईवन रिमांड सी कीता जा रिहा सीगा, दो दिन दा पुलिस रिमांड, जिहड़ा कि माणयोग अदालत ने दोनों धिरां दी बहस सुणन तों बाद उन्हां नू जिहड़ा वा इमीडिएटली पुलिस नू डायरेक्शन कर दित्ती है रिमांड डिक्लाइंड एंड उन्हां नू बेल बॉन्ड लै के छड्डण वास्ते कहा जी। सर किन्नू किन्नू छड्डण नू कहा गया? सारे ते सारे दोषी जिन्ने वी इहदे विच लैंदे गए सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਇਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਲੇਬਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ।